नमस्कार, मैं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। पाकिस्तान कश्मीर को लेकर हुए कड़े फैसलों के बाद से ही बौखलाया हुआ है और अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के हाजीपोरा सेक्टर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दो सैनिकों को मार गिराया और पहली बार पाकिस्तान अपने मारे गए जवानों के शव लेने के लिए पाकिस्तानी सैनिक सफेद झंडा लहराते हुए और शव लेने आए और शव ले गए। भारतीय सेना ने भी उनका मान रखते हुए उन्हें शव ले जाने दिया और ये पूरी घटना LOC पर लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई। बौखलाया हुआ पाक अभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के हाजीपुर सेक्टर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दो सैनिकों को मार गिराया। दरअसल पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन किए जाने के बाद भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए इन पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। मारे गए अपने जवानों के शव लेने के लिए पाकिस्तानी सैनिक सफेद झंडा लहराते हुए आए और शव ले गए। भारतीय सेना ने सफेद झंडे को देखकर उसका मान रखा। उन्होंने पाकिस्तान के सैनिकों पर गोली नहीं चलाई और उनके सैनिकों के शव ले जाने दिए और ये पूरी घटना LOC पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पाकिस्तान सेना ने पूंछ सेक्टर में भी शनिवार को LOC पर चौकियों और गांवों पर भारी गोलीबारी और मोर्टर दागे। सेना के अधिकारियों से ये जानकारी मिली कि सीमा पार से गोलीबारी और मोर्टर गोलीबारी सुबह 10 बजे के आसपास बालाकोट और मनकोट इलाके में शुरू हुई। अंतिम जानकारी मिलने तक दोनों पक्षों के बीच भारी गोलीबारी चालू थी। पूंछ के उपायुक्त राहुल यादव ने कहा कि पाकिस्तानी गोलीबारी में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी केरन सेक्ट से भी खबरें आई थी कि सीमा पर पाकिस्तानी आर्मी की बॉर्डर एक्शन टीम के अटैक को नाकाम करते हुए पाकिस्तान के कम से कम 5 से 7 सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तान अपने इन सैनिकों को लेकर नहीं गए थे, उनके शव वहीं पड़े रहे थे। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।